हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली, आप देख रहे हैं हल्द्वानी फिंचिस कनूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो गाइस, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में आपको हम डायमंड डब की ब्रीड चेक कराऊंगा। काफ़ी दिन से मैं डायमंड डब पाल रहा हूँ, इसने कोई ब्रीड नहीं करी है। और मैंने आज इसको छंटिया में बैठा हुआ देखा था, तो मैंने सोचा आज आपके सामने वीडियो भी बन जाएगी एक, और हम भी देख लेंगे क्या जो फीमेल जो बैठी है वो खाली ऐसी ही बैठी है या अंडे लेके बैठी है। और वीडियो शुरू करने से पहले नई दोस्तों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेल बैठा है और फीमेल जो है, जो मैंने नेस्टिंग लगा रखी है, नेस्टिंग जो छंटियाँ उसके अंदर बैठी है। मैंने प्लास्टिक की छंटी लगा रखी है, आपको आगे चेक कराने वाला हूँ। उसमें जो है फीमेल, मैं ज़्यादातर आता हूँ तो सुबह के टाइम में उसके अंदर बैठी हुई मिलती है, शाम को भी उसके अंदर बैठी हुई मिलती है। तो चलिए गाइस, आपको मैं चेक कराता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर इसने अंडे दे दिए हैं तो, क्योंकि मैं ज़्यादा परिंदों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, सिर्फ दाना दिया, पानी दिया, साफ़ सुथरा, और उसके बाद चला जाता हूँ मैं। तो गाइस, आप देखते हैं वो फीमेल बैठी है, नेस्टिंग करके बैठी है, नेस्टिंग थोड़ी मैं डाल देती और बाकी इसने करे कुछ नेस्टिंग। तो गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल पास में आ गया हूँ, फिर भी जो फीमेल है हटने नहीं चाह रही, अंडों के साथ अंडे हैं जब भी नहीं हट रही है। चलिए मैं आप एक बार आपको अंदर से चेक कराता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल बैठी है और बिल्कुल पास में आ गया हूँ उसके, फिर भी नहीं हट रही है। मुझे लगता है इसका अंडे इसके अंदर हैं, इसलिए नहीं हट रही है, क्योंकि जब अंडों में जब बैठी थी फीमेल तो बहुत मुश्किल से हटती है। इसको खतरा लगा रहता क्योंकि मेरे अंडे कभी ख़राब ना हो जाएं। इसके जब बच्चे हैं वो अंडे से 14 से 15 दिन के बाद अंडे में से बच्चे बाहर निकल जाता। तो उम्मीद करता हूँ इसको मैं हटा के दिखाऊंगा शायद अंडे हैं या क्या है। और मेल जो है बहुत ज़्यादा डर रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेल है बहुत ज़्यादा डर रहा, क्योंकि मैं कैमरा लेके अंदर पहुँचाऊँ, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डर रहा। तो गाइस, आपको मैं चेक कराऊँ, इसको हटाऊँगा एक बार, हटा के एक बार तो देखनी है। ओहो माशाल्लाह, बहुत ही शानदार, माशाल्लाह इनने दो अंडे दे दिए हैं। अगर अंडे ये सही हैं तो 15 से 16 दिन में इसमें से बच्चे निकल आएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जब बच्चे निकल आएंगे तो आपको साथ में ज़रूर साझा करूँगा इस चीज़ के लिए। तो देख सकते हैं अंडे दो हैं और छंटियाँ मैंने काफ़ी गहरी लगाई है, क्योंकि ये है अंडे गिरा देती है तो अंडे टूट जाते हैं। ये देख सकते हैं मेल और फीमेल फॉर्म है, और ये आगे वाली फीमेल है जो कोने में पीछे है, वो मेल है, ठीक है। और मेरे पास एक ही जोड़ा है, अगर इस जोड़े ने ब्रीड करी तो इसी जोड़े से हम और आगे भी ब्रीड कराएंगे, क्योंकि एक तो मेल लेंगे या फीमेल लेंगे, क्योंकि एक ही ब्रीडिंग एक ही ब्रीड लेंगे हम अगर बच्चे पालेंगे तो उसमें जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं दो तो ही, अगर ये बच्चे निकल आए तो ये रखूँगा, दो और लेंगे तो इस तरह से हमारे जो है ब्रीड लाइन भी चेंज हो जाएगी और इस तरह से हम अच्छी ब्रीड भी मिलेगी। तो फीमेल जो है काफ़ी ज़्यादा डर भी रही है, कभी अंडों पर जा रही है, कभी अंडों पर से नीचे तक आ जा रही है, ये देख सकते हैं। तो गाइस, हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और देख सकते हैं कंगनी दाना है और बाकी समंदर के झाग बहुत सारे हमने डाल रखे हैं। और फीमेल वापसी में फिर अपनी नेस्टिंग में आ गई, यहाँ पर इन्हें नेस्टिंग बना रखी है। तो चलिए गाइस, आपको हमारी, अगर आपने लाइक नहीं करा मेरी वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।